दोस्तों ये है शहीद अंशुमान सिंह की पत्नी। कुछ दिन पहले तक लोग इन्हें बहुत महान और मासूम कह रहे थे, लेकिन आज वही लोग इन्हें चालाक, धोखेबाज और मतलबी कह रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इसी बात का विश्लेषण करेंगे। कैप्टन अंशुमान सिंह वही हैं जिन्होंने अपने बटालियन की जान बचाने के लिए खुद शहीद हो गए और पूरे देश का नाम रोशन कर दिया। बीते दिनों राष्ट्रपति ने इनके माध्यम से उन्हें कीर्ति चक्र अवार्ड दिया। लेकिन आज के समय में कैप्टन अंशुमान के पिता और कैप्टन अंशुमान की माता, जो उन्होंने जिन्हें उन्हें पाल के बड़ा किया है, आज की डेट में उनका कहना है कि कैप्टन अंशुमान सिंह की जो पत्नी है वो इनके साथ धोखा कर रही है। ऐसा क्या हो रहा है, शुरू से अंत तक पूरी कहानी बताऊंगा, पूरा विश्लेषण बताऊंगा, यह भी बताऊंगा कि उनके पिता ने क्या कहा, यह भी बताऊंगा कि उनकी माता ने क्या कहा, और यह भी बताऊंगा कि स्मृति क्या कह रही है जो कैप्टन अंशुमान सिंह की पत्नी है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको एक एक करके तमाम राजनीतिक बयानों के साथ इस बात का विश्लेषण करके बताऊंगा कि आखिर पूरा मामला क्या है और कब और कैसे क्या क्या हुआ। इस मासूम चेहरे के साथ वीडियो शुरू करते हैं जिसे कुछ दिन पहले तक मासूम कहा जा रहा था, लेकिन आज इसे मतलबी, चालाक और धोखेबाज कहा जा रहा है। सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा है। आइए इसको समझाता हूं कि पिता ने क्या कहा। पिता ने कहा, बहू ने हमारा घर छोड़ चुकी है, उसने अपना एड्रेस चेंज कर लिया है। ये अंशुमान सिंह के पिता इनके लिए कह रहे हैं, जो बातें बोल रहा हूं इन्हीं के लिए कह रहा हूं। कीर्ति चक्र मिलने की कोई निशानी हमारे पास नहीं बची है, अंशुमान सिंह के पिता कहते हैं। बेटे की फोटो पर कीर्ति चक्र लगा सकूं, इस लायक हम नहीं बचे हैं। पिता बोले, हमारे पास कीर्ति चक्र पाने का कोई सबूत नहीं है। पिता बोलते हैं, स्मृति यहां से सब कुछ लेकर चली गई है, अपना एड्रेस चेंज कर लिया है, हमारे पास रिसीविंग तक नहीं है। पिता बोलते हैं, मेरा बेटा शहीद, शादी के 5 महीने बाद ही शहीद हो गया, उसे कुछ दिन बाद ही बहू स्मृति घर छोड़कर चली गई, और स्मृति अपने पत्नी को भी बुलाया गया था सम्मान देने के लिए। स्मृति जब सम्मान दी थी राष्ट्रपति, तो इनको भी बुलाया गया था और शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की माता को भी बुलाया गया था, लेकिन वहां पर भी उन दोनों लोगों के बीच में कोई कन्वर्सेशन नहीं हुई थी। बहू अलग रहती है, उनके पिता कहते हैं बहू अलग रहती है, इसलिए हमारे पास कुछ भी नहीं आया। मेरे पास मेरे बेटे की फोटो लगाने के लिए कीर्ति चक्र तक नहीं है, मेरे पास मेरे बेटे की फोटो लगाने के अलावा और कुछ भी नहीं बचा है। ये वही कैप्टन अंशुमान है जिसने अपने लोगों की जान बचाने के लिए, अपने साथियों की जान बचाने के लिए अपने जान की परवाह नहीं की। उन्हीं के पिता कहते हैं, पिता बोलते हैं कि बेटे की 13वीं के बाद बेटी चली जाती है और उसके ठीक 10 दिन बाद एक स्कूल को ज्वाइन कर लेती है। पिता का कहना है कि स्कूल ज्वाइन करने के लिए एक मेंटल स्टेबिलिटी का होना बहुत जरूरी है, किसी की मानसिक स्थिति स्थिर रहे तभी वो स्कूल में पढ़ा सकता है, क्योंकि एक अध्यापक को विद्वान माना जाता है। तो ऐसी क्या स्थिति हो जाती है कि मात्र 10 दिन में ही स्मृति इतनी अच्छी हो जाती है, इतना अच्छा उनका आत्मविश्वास हो जाता है कि पति के मरने में 1 महीना भी नहीं बीता है ठीक से और वो किसी स्कूल में पढ़ाना शुरू कर देती है। पिता बोलते हैं कि बहू से ज्यादा उनके माता पिता जो है वो एक ताना बाना बुनते हैं। हमेशा जब बात करने के लिए हम अपनी बहू से कोशिश करते हैं तो उनके माता पिता का भी फोन उठा लेते हैं, अक्सर तो फोन ही नहीं उठाया जाता है, लेकिन जब उठा लेते हैं तो वो ही कुछ बताते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये करेंगे। अब सोचिए क्या स्थिति होगी। मैं बोल रहा था शुरुआत में, आपने थंबनेल देखा होगा, तीसरे की एंट्री, उसी को मैं आगे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। शहीद कैप्टन की मां बताती है कि घर में एक पूजा का आयोजन किया गया था। पूजा का आयोजन मतलब समझ रहे हैं, बरखी थी और बताया गया था कि पत्नी का वहां पूजा में बैठना बहुत जरूरी है। स्मृति को शहीद कैप्टन सिंह अंशुमान सिंह की मां फोन करती है कि बेटा उस दिन आ जाओ, उस दिन पूजा है। स्मृति कहती है, हाँ मम्मी हम आ जाएंगे। लेकिन उसके बाद पता है क्या होता है, फोन स्विच ऑफ हो जाता है और उसके बाद से ब्लॉक कर दिया जाता है। स्मृति की सास यानी कैप्टन अंशुमान सिंह की मां कहती है कि मैं इन्हें इतना प्यार करती थी कि जब ये नोएडा में मेरे साथ रहती थी तो मैं बर्तन माजती थी इनका, इनके लिए खाना बनाती थी कि मेरी मासूम सी बहू है उसके हाथ ना खराब हो जाए, इतना प्यार करती थी। सास बहू का जबरदस्त प्रेम था। अंशुमान के पिता कहते हैं कि हमसे कौन
कौन सी ऐसी गलती हो गई कि हमारे साथ ऐसा धोखा हुआ, हमसे क्या हो गया कि ये हमको छोड़कर चली गई, हमारे परिवार ने ऐसा क्या कर दिया। शहीद अंशुमान के पिता बताते हैं कि एक साल पहले तक इनके बेटे ने जो धर्म निभाया उसके बारे में बताते हैं कि शादी के एक साल पहले तक इनकी आपस में बातचीत भी नहीं होती थी, लेकिन इनका बेटा पुराने समय में वादा किया था कि हम शादी इनसे करेंगे, इसलिए उन्होंने किया। तमाम रिपोर्ट्स के हिसाब से अंशुमान की पत्नी स्मृति और अंशुमान का जो लव अफेयर था वो पिछले 8 सालों से चल रहा था, लेकिन बीते 1 सालों से इनकी बातचीत नहीं हो पा रही थी। शुरुआती दिनों में इन्होंने शादी का वादा किया था। पिता कहते हैं कि बेटे ने अपने प्यार का हिसाब दिया, मतलब प्यार को जाहिर किया और उसमें विश्वास रखते हुए कहा कि हमने वादा किया था तो हम जो है शादी तुम्हीं से करेंगे। अंशुमान के और आज की स्थिति ये है कि अंशुमान सिंह की माता पिता का उन्हीं की बहू फोन नहीं उठाती है और ये उस व्यक्ति की पत्नी है जिस व्यक्ति ने इस देश के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया। आगे और समझाने की कोशिश करता हूँ। जब हमारी टीम ने और दैनिक भास्कर की टीम ने इनसे बात करने की कोशिश की तो इन्होंने क्या कहा वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। कैप्टन अंशुमान सिंह के पिता माता का जो आरोप है, जो मीडिया के सामने आरोप आया, तब इनसे भी बात करने की कोशिश की गई तो इन्होंने फोन उठाते कहा कि उस वीडियो के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, जिसकी जैसी सोच वो वैसा ही सोचेगा। अब इतने महान बेटे के मां बाप की सोच बेकार हो गई, गंदी हो गई। इनका कहना है जिसकी जैसी सोच वैसा ही बात करेगा। जिस मां ने 9 महीने तक अपने पेट में पाला, जिस बाप ने अपने बेटे को सेना में भेजने के लिए इतनी मेहनत कराई, उनकी सोच छोटी है और इनकी सोच बड़ी है, ये जो चली गई है। चलिए और बताते हैं। वैसा ही कहेंगे, जिसकी जैसी सोच वैसा कहेंगे। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं अभी बाहर आई हूं, पहले वीडियो भेज दीजिए फिर कॉल करेंगे। ये कहती है कि मुझे पता ही नहीं है, पूरा देश जान गया क्या मामला है। ये फोन पे बात करते समय कह रही है हमें पहले वीडियो तो भेज दीजिए फिर बात करेंगे। उसके बाद से क्या करती हैं, उसके बात से ये फोन काट देती हैं, फोन खत्म हो जाता है। इनके पिता से भी बात करने की कोशिश की गई, इनके पिता ने साफ साफ बात करने से इनकार कर दिया। माता स्मृति पेशे से इंजीनियर हैं, आपको बता दूं इनके माता पिता स्कूल में प्रधानाचार्य हैं और जब भी बात करने की फोन इनसे कोशिश की जा रही है ये फोन काट दे रही है। करेंगे भी क्या, जवाब देते बन ही नहीं रहा है। इतने पवित्र माँ बाप हैं और जिसका बेटा शहीद हो गया है और ये छोड़ के कीर्ति चक्र लेके अपना निकल ली है। मां बाप के हिस्से में क्या आया ये आपको समझ में आता है, आता है। अब मैं आपको एक कहानी बताता हूं विक्रम बत्रा के बारे में। इनके पिता ने भी इसका जिक्र किया है कैप्टन अंशुमान के बारे में। विक्रम बत्रा 1999 की लड़ाई में 7 जुलाई को शहीद हो गए थे और उनकी पत्नी का नाम था डिंपल। और डिंपल जब डिंपल से कैप्टन बत्रा बहुत प्यार करते थे, एंगेजमेंट कर ली थी, बस एंगेजमेंट हुई थी और कुछ नहीं हुआ था। लेकिन कैप्टन बत्रा शहीद हो गए तो उनकी पत्नी जो है दोबारा आज तक नहीं शादी की। घटना को 25 साल बीत चुके हैं, डिंपल अभी तक कुंवारी हैं। कहीं कि मेरे एंगेजमेंट हो गई थी मतलब मेरी शादी हो गई थी। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो मजबूत बात यह है कि उनके माता पिता यानी कैप्टन बत्रा के माता पिता गिरधर लाल बत्रा और कमलकांत बत्रा जो उनके माता पिता है वो लगातार कैप्टन बत्रा की जो पत्नी है आपको यहां दिखेंगी उनको बार लगातार कह रहे थे कि ऐसा है कि तुम शादी कर लो, तुम्हारी तो सिर्फ एंगेजमेंट हुई है, अपना जीवन क्यों बर्बाद कर रही हो। लेकिन आज तक इन महिला ने कैप्टन बत्रा की पत्नी है शादी नहीं की। और उन्हीं के बगल में एक दूसरी फोटो है जो आप देख रहे हैं। चलिए ये तो तुलनात्मक अध्ययन है, अगर किसी को मूव ऑन भी करना है तो इस तरह से मूव ऑन नहीं करते हैं, क्योंकि अगर इस तरह से मूव ऑन होगा देश के लिए इतना बड़ा आदमी जिसने जान दे दी और उसकी पत्नी उसी के मां बाप को छोड़ के चली गई तो देश जिसे पहले हीरो मान रहा था उसे मतलबी बोलने से भी नहीं बचेगा। अंशुमान सिंह के साथ क्या हुआ था यह मैं आपको अब विस्तृत तरीके से बताता हूं। 19 जुलाई वो दिन था जिस दिन सियाचिन के ग्लेशियर में अंशुमान शहीद हुए थे। अचानक भारतीय टेंट में आग लग जाती है। अंशुमान सिंह डॉक्टर थे, सेना के डॉक्टर थे, ऐसे समझा दे रहा हूँ। तो इनके जो बटालियन है उसमें आग लग जाती है सेना के टेंट में। उस जवान में कई जवान फंस जाते हैं, लेकिन उस समय अंशुमान सिंह बाहर रहते हैं, निकल जाते हैं।
एकदम बाहर रहते हैं, वो चाहते तो उन लोगों की जान चली जाती और खुद बच जाते, लेकिन उनके वो आग में कूद जाते हैं और उनकी जान बचा लेते हैं, लेकिन अंशुमान सिंह बुरी तरीके से जल जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है और वो शहीद हो जाते हैं। उस दिन के बाद से पूरा देश इस लाल की, इस शहीद की तारीफ में कसीदे पढ़ रहा था। हर राजनेता हो वो सब कह रहा था कि पूरा देश अंशुमान के साथ है, लेकिन अंशुमान के साथ उनकी पत्नी ही नहीं है, उनके माँ बाप के साथ उनकी पत्नी नहीं है, ये आज लगा। इसी कारण 5 जुलाई को राष्ट्रपति के यहाँ अंशुमान को कीर्ति चक्र दिया जाता है कि उन्होंने अपने बटालियन में अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने दोस्तों की जान बचाई। इसी कारण सबकी आंखें उस दिन नम थी, जिस दिन इनको अवार्ड दिया जा रहा था, इनको दिया जा रहा था, उस दिन सबकी आंखें नम थी, लेकिन बाद में क्या होगा, ऐसी घटनाएं हो जाएंगी, ये किसी को नहीं पता था। आइए मैं आपको बताता हूं कि राहुल गांधी से कैसे मुलाकात हो गई इनकी। इनकी राहुल गांधी से भी मुलाकात है, राजनाथ सिंह जी से भी मुलाकात है, योगी आदित्यनाथ जी से सबसे मुलाकात है, सारे राजनीतिक दलों की मुलाकात है। मामला कैसे बना ये मुलाकात का, वो समझाता हूं। जब राष्ट्रपति के सर जो हॉल था उसमें जब ये समारोह चल रहा था, उस समय इनकी माताजी थी बहुत भावुक थी और तब तक वो जो स्मृति थी वो जा चुकी थी। राहुल गांधी जब निकल रहे थे तो इनकी माताजी को ठहास बनाने के लिए ये इनके पास आए, उनके आंखों में आंसू आ गया, तो राहुल जी ने कहा कि आप हमसे मुलाकात करिए। राहुल गांधी कहते हैं कि आप हमसे मुलाकात करिए, उसके बाद से अपना नंबर दीजिए। फिर नंबर का दोनों के आदान प्रदान हो जाता है, राहुल गांधी की टीम लगातार इनसे फोन करती है कि दिल्ली आ जाइए। तब इनके परिवार के लोग ये कहते नहीं, दिल्ली आना तो अभी संभव नहीं है, आप इधर आइएगा तो बताइएगा। तो अगले दिन ही राहुल गांधी का रायबरेली का दौरा रहता है, रायबरेली में ये दोनों परिवार जाके मिलते हैं, वहां अपनी बातें होती हैं, अग्निवीर के विषय पे भी चर्चा होती है, इन लोगों का अग्निवीर पर भी बयान आया था। उसके बाद उसके पहले तमाम और रक्षा मंत्री से मुलाकात होती है, योगी आदित्यनाथ से मुलाकात होती है। योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि इनको आर्थिक घोषणा की बात करते हैं, 50 लाख रुपया, परिवार को एक नौकरी और अंशुमान सिंह के नाम से एक सड़क की बात होती है। रक्षा मंत्री भी इनको अपने भाई की तरह मानते हुए इनसे भोजपुरी में बात करते हैं और एक ठहास मानते हैं कि आपका बेटा जो है वो देश के लिए शहीद हुआ है। तो पॉलिटिकल सारी चीजें अच्छी हुई, देश का पक्ष हो या विपक्ष हो, देश में अंशुमान सिंह के साथ सब खड़े थे, लेकिन अंशुमान सिंह की पत्नी ही अंशुमान सिंह के मरने के बाद, नहीं रहने के बाद, शहीद होने के बाद उनके साथ नहीं रही, और वो जो सम्मान मिलता है वो उस माँ बाप से छीन लिया जिस माँ बाप ने बचपन से उसे पाला बड़ा किया। चलिए आके और बता देता हूँ कि अंशुमान सिंह के परिवार में कौन है और इनके बारे में जानता हूँ। अंशुमान सिंह के परिवार में इस समय लखनऊ में रहता है, अंशुमान इसी घर में अंशुमान की शादी हुई थी। अंशुमान के पिता रवि सिंह जो है वो सेना में पूर्व अधिकारी रहे हैं, JSO एक पद होता है सेना में, उस पर उन्होंने काम किया है। माँ अंजू सिंह जो है वाइफ है, और इनके पिता भाई जो है वो घनश्याम सिंह है और बहन तान्या है। दोनों भाई बहन नोएडा में डॉक्टर हैं, दोनों भाई बहन मतलब इनके पिता के दो बच्चे और हैं और दोनों डॉक्टर हैं, नोएडा में ही रहते हैं। आपको ये तमाम जानकारी जो मैंने दी है अंशुमान सिंह के परिवार की, ये जानकारी अपने आप में ये दर्शाती है कि इस दुनिया में जिसे आप जब देख रहे हैं वो उस तरह से नहीं होता। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने अंशुमान सिंह, कैप्टन बत्रा, उनके पिता, उनके माताजी, उनके पत्नी, सबके बारे में बात की। इस वीडियो को देखकर आपके मन में जो प्रतिक्रिया आ रही है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम मित्र प्रकाश है, वीडियो अगर आपने पूरी देखी है, समझी है, कितना समझ में आया और आपके बारे इस विषय में और क्या जानकारी है ये भी मुझे बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया।